आज मैं आपको बताऊंगा आईटेल S2N मोबाइल में डायल नंबर किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेनू में जाना है और फिर ये बटन दबा के ऊपर जाना है। इस बटन से इधर आके कॉल हिस्ट्री आपको ओपन करना है। कॉल हिस्ट्री पर ओके करता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देंगे ऑल कॉल्स, तो ये बटन दबा के इधर आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे डाइल्ड कॉल्स। डाइल कॉल यानी वो कॉल जो आपने कॉल किया होगा, तो इन सभी नंबर पे हमने कॉल किए थे तो ये डाइल कॉल में आते हैं। तो मुझे इन सभी डाइल नंबर को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस में जाना है और फिर इस बटन से नीचे आकर डिलीट पर ओके कर देना है। डिलीट ओके। अभी आप देख सकते हैं कि एक डायल नंबर डिलीट हो गया है। अगर आप एक साथ सभी डायल कॉल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शंस में जाना है और फिर इस बटन से नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा डिलीट ऑल, तो आपको डिलीट ऑल सेलेक्ट कर लेना है। डिलीट ऑल ओके। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर डायल कॉल्स में एम्प्टी दिखा रहा है, खाली, यानी कि हमने सारे डायल कॉल डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक भी डायल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है।